नमस्कार जी। अभी यक हमारे काशी विश्वनाथ काशी में बनारस में हमारे गुप्त काशी से श्री आशीष भट्ट जी आए हैं, जो कि हमारे गढ़वाल का छन और गुप्त काशी केदारनाथ गढ़े आए हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे सब लोग आपसे उनसे मिले, उनके बारे में जानकारी लिया। प्रणाम गुरु जी भट्ट जी, तो आपका काशी में काफ़ी आपका स्वागत है। तो मैं चाहते थे आपसे मतलब आप अपने बारे में थोड़ा बताया ताकि लोगों को पता बारे में पता चले। गुरुभद्रे नारायण भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। हमर घर उत्तराखंड में गुप्त काशी का समीप नारायण कोटिका है श्री महाराज धाम जी। अच्छा। और तक हमारा दादाजी ने बहुत तपस्या करी, ये तपस्या का प्रभाव से बहुत भक्तिमय धर्ममय सुचित्र बनी। ठीक। और दादाजी का ही संस्कार का द्वारा, पिताजी का आशीर्वाद का द्वारा, पितरों का आशीर्वाद का द्वारा और भगवान केदारनाथ की अखंड कृपा के का फल स्वरूप हम तथी उत्तराखंड भूमि में जन्म। जो उत्तराखंड भूमि संस्कृति संस्कार सभ्यता भव्यता दज्जाने जन जता भी संसार में तीर्थ छिन्न सब कोई गंगा नदी का तट पर छिन्न, कोई यमुना नदी का तट पर छिन्न, कोई गोदावरी तट पर छिन्न, कोई सरस्वती तट पर छिन्न। और जखमो गंगा यमुना सरस्वती को संगम ही हुएगी तथे प्रयागराज पड़े, प्रयागराज तीर्थराज। जथा भी भारतवर्ष में जो तीर्थ छिन से सब तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में अपनी हाजरी बनू तबे सु तीर्थराज बोलेगा। मुद मंगलमय सम संत समाजो जही जग जंगम तीर्थ राजो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी तीर्थराज घोषित करी प्रयागराज। तीर्थराज यान प्रयागराज बनी क्योंकि तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा यमुना सरस्वती तीन जो दिव्य नदी छ तो को संगम छ। प्रयाग में ना प्रयागराज प्रयागराज में सब तीर्थराज की महिमा तो जान दे छिन, किंतु वास्तव में तीर्थराज बने कन के ये तक कोई नहीं जान, ये तो समझना बहुत आवश्यक है। गंगा यमुना सरस्वती को संगम तब हुए सकी जब गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना और बद्रीनाथ से व्यास गुफा से सरस्वती प्रकट हुई। अर्थात हम बोल सकते हैं कि तीर्थराज प्रयाग ही नहीं बनो अगर उत्तराखंड नहीं बनो। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड का वोण से ही तीर्थराज प्रयाग जी या अन्य तीर्थ जिन आज हम हरिद्वार जनन, काशी जनन, वृंदावन जनन, रामेश्वरम जनन, जग जग तीर्थ में जनन तक तक ये दिव्य नदियाँ पहुँची रहें। तो प्रभाव यू ची उत्तराखंड को कि जो हम पुण्य शालीवर्धन तीर्थ में जीते व्रत करी अनुष्ठान करी यज्ञ याग आदि करी प्रत्येक उद्गम स्त्रोत्र ही उद्गम स्रोत ही उत्तराखंड। और उत्तराखंड में विशेष करके भगवान हरि हर को दिव्य एक रूप है, एक और भगवान बद्री नारायण दूसरी और भगवान केदारनाथ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम। श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो दीयते। मानव प्राय चिंता कर क्या बोलवाए थे क्या बोला क्या लोला, लेकिन तू तो चिंता करने आवश्यकता नहीं। जो विश्वंभर भगवान गर्भ में भी रक्षा कर धन श्री बद्रीनारायण भगवान जिन
यही कारण से बद्रीनाथ साक्षात वैकुंठ जेमा सब देवी देवता भगवान नारायण और हर की अधीनस्था मां स्थापित हो गए। बद्रीनारायण भगवान की जय। तो ये गुरु जी मेरे आपसे ये आपकी एक मेरे प्रश्न चाहिए कि मतलब कि आप कितने साल हो गए आप ये मतलब भगवत करते और राम कथा कब से कब करना चाहते हैं? पहली कथा कब आपने कब करी और ये लाइन में कब आप आए हैं? असल से बड़ी खुशी बात ये आप मतलब यंग छन एनर्जेटिक छन और मतलब बड़ा अच्छा लगता है मतलब आपको लोग सुन ला देख ला तो आज के जो यंग जनरेशन है वो उसका उनको बहुत फ़ायदा होगा मतलब। तो मैं ये थोड़ी जानना चाहता हूँ मतलब आपने ये आपने आपकी ये जर्नी जो स्टाइल कब शुरू करी मैंने? सबसे पहली तो यंगचम राय जी ये बाल्यकाल से ही संस्कार पड़े जी। हमारे दादाजी ने बड़ा बड़ा यज्ञ याग आदि करें, पिताजी भागवत कर दिया। अच्छा। और उत्तराखंड का प्रसिद्ध विद्वान द्वितीय भास्कर का समान आदरणीय श्री भास्करानंद मैठाणी जी जिनको राष्ट्र पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भी बड़ी भक्ति करी दादाजी के साथ। अच्छा। दादाजी हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन पंडित श्री श्री कृष्ण भट्ट राजज्योतिषाचार्य जी, उन्होंने और भास्करानंद मैठाणी जी आचार्य जी ने जिनको हम दादाजी कहते थे उन्होंने मिलकर के बड़ा तप किया और ऐसा तप किया कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं जहाँ हमारा घर है जहाँ हमारे दादाजी की तपस्थली है ग्रीष्मकाल आते ही उस स्थान के चारों ओर के जल के स्रोत सूख जाते हैं पर वहाँ स्रोत नहीं सूखता, वहाँ चारों दिशाओं से विशाल जलधारा प्रकट होती है ये तप का साक्षात प्रभाव। जले विष्णु स्थले विष्णु, भगवान विष्णु का वास जल में प्रथम है तो जिस पर भगवान हरि कृपा करते हैं उसको जल के रूप में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। तो भगवान नारायण की बहुत तपस्या करी हमारे दादाजी ने। तो आपने कितने साल हो गए मतलब? और संस्कार बाल्यकाल से ही थे, बाल्यकाल लेकिन हम तो दूसरे क्षेत्र से थे, हमने इंग्लिश आदि से अध्ययन किया, मैथमेटिक्स के भी छात्र रहे जी। लेकिन संस्कार ऐसे प्रबलतम थे कि हमारे सहपाठी गण जो विद्यालय में एग्जाम पे एग्जाम में तैयारी करना, लेकिन मैं गौर में बैठी तो भागवत कुछ लोग याद करूँ यमुने ने संस्कार पढ़ी और ठीक 2014 बिटन प्रथम भागवत प्रारंभ हुए। दादाजी की कृपा का फल स्वरूप, पिताजी का आशीर्वाद का फल स्वरूप और तब से कथा लगातार चरणी छिन्न। लेकिन वाराणसी में काशी में ये उन्होंने प्रथम सौभाग्य मिली, मैं तो यह लगे भगवान केदारनाथ नहीं भेजो और ये गंगा तट पर, अब प्रथम गंगा तट पर राम कथा। वाह वाह। पिताजी का विशेष प्रेरणा रही कि राम कथा ही भगवान विश्वनाथ का चित्र में होनी चाहिए क्योंकि महादेव के सबसे प्रिय कथा चित्र राम कथा, इसलिए राम कथा द्वि सत्रों में यह 11 तारीख बिटिन 19 तारीख तक हुई। और भी प्रसन्नता में तो यह हुई कि आप जमने सब उत्तराखंड का प्रति जो जागरूक छ आप सब मिली नाम पे, बहुत बड़ी प्रसन्नता थी क्योंकि जन्मभूमि की महिमा गरिमा प्रभाव ते हम थे उजागर कर जन जी, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं चीज। भगवान रामन स्वयं बोली जब जान बैठिन अवध से बन की ओर, राम जी को बोली हे सीता जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरी असी, मैं सब त्याग सकूँ पर अवध नहीं त्याग सकूँ, अयोध्या तो नहीं त्याग सकूँ, तो तनी हमर जन्म उत्तराखंड ची, मेरे कर्म क्षेत्र वृंदावन ची, वृंदावन ब्रजभूमि में मैं रहूँ। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड यहाँ चूप पचूच मेरा अभ्यंतर तक कि जब भी कोई उत्तराखंड वासी दिखन गुरु उत्तराखंड दिखन बैठे, मेरे को लक्ष्य ये ची गंगा यमुना सरस्वती वेद बद्री नारायण क्योंकि महिमा में हमेशा गाया करूँ और महिमा का उदाहरण करूँ कर दूँ और क्योंकि हम और कैसे युवाणी भगवान दिनी ब्राह्मण थे क्योंकि मुखाद अग्नि रजा आता भगवान का मुख से ही ब्राह्मण भी प्रकट हुए और ब्राह्मण वाणी को धनी बने
हम वाणी का द्वारा ही अपना जन्मभूमि तक प्रणाम कर दा, तुमको यश गान कर दी रौला, बस ये बन चालू। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड, जय।